हेलो एवरीवन, और स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और अभी हम लोग जो है वो जा रहे हैं देहरादून से मसूरी के लिए। अब निकल चुके हैं और ये हम लोग बाई रोड जा रहे हैं, यानी बाई कैब जा रहे हैं फोर व्हीलर से। तो आज ये वाला ब्लॉग में हम लोग पूरा आपको वही दिखाएंगे कि कैसा है पूरा सीधा का व्यू करके। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6 AM। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में जो है जो भी है आपका, यहाँ पर एक लाइन से आपको ट्रैवल्स वाले की जो पूरी सब गाड़ी लगी हुई थी। तो अब चलिए हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। एवरीवन, तो यहाँ पर हम लोग अपना रोड ट्रिप स्टार्ट कर चुके हैं और यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं देहरादून रेलवे स्टेशन से। और हम लोग जाएंगे पूरा ऑल द वे अप मसूरी, जो कि हम लोग का लाइब्रेरी चौक पे एंड होगा ये रोड ट्रिप। तो चलिए हम लोग साथ जुड़ रहिएगा ये पूरे रोड ट्रिप पर। और अभी क्योंकि 6 बज रहा सुबह का, इसी का पूरा अंधेरा आपको दिखेगा। और जैसे जैसे टाइम और दिन चढ़ेगा तो आपको थोड़ा सा रोशनी दिखेगी रूम में। तो चलिए चलते हैं। और ये जो रास्ता पूरा आपको करीब 1 घंटा का है, तो लेट्स गो। अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी जो दुकानें हैं या फिर जितनी है वो खुलने के जो है अर्ली मॉर्निंग है, अभी अराउंड 6:15 हो रहा है। तो इसीलिए अब यहाँ पर आपको कुछ भी फिलावट दिखेगा नहीं। तो हम लोग जैसे ही थोड़ा सा यहाँ से घरों से बाहर निकलते हैं तो हम लोग फिर आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले हम लोग मसूरी के रास्ते में हम लोग सबसे पहले भाटा फॉल्स और मसूरी लेक पड़ता है। तो चलते हैं, अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो गाइस, अभी हम लोग जो है यहाँ पर एक पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं, और क्योंकि हम लोग का कार में जो है वो फील बढ़ा है। आप हम लोग कार देख सकते हैं जो कैब है कुछ ऐसा है। और यहाँ पर आज है क्रिसमस, क्योंकि
तो यहाँ पर पूरा उसका डेकोरेशन भी किया हुआ है। तो अभी करीब यहाँ से जो मसूरी है वो 22 किलोमीटर दूर है। तो बट उसके पहले हम लोग बीच में भाटा फॉल्स जाएंगे, वो बीच में पड़ता है भाटा फॉल्स और मसूरी पहले पड़ता है, तो हम लोग पहले वहाँ जाएंगे और उसके बाद फिर जो है हम लोग मसूरी पहुँचेंगे अपने होटल पर। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग जो है यहाँ भी थोड़ा पहले ही जस्ट जो है वो टोल क्रॉस किया है, जो कि आपका एक तरीके से कर सकते हैं आपका मसूरी का एंट्री पॉइंट है। और जो टोल है वो आपका ₹60 लगता है आप कार से आ रहे हैं तो। और आप यहाँ पर देख सकते हैं व्यू काफ़ी सुंदर है, क्योंकि अभी थोड़ा सा लाइट कम है, तो अभी मॉर्निंग टाइम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सनराइज़ हो रहा है जी, और यहाँ पर आप व्यू देख सकते हैं काफ़ी सुंदर व्यू है। तो अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा देर के लिए रुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना खूबसूरत है। अभी जस्ट थोड़ा देर में सनराइज हो रहा है, तो आप यहाँ पर अभी ऐसा लाइट आ रहा है। और अभी हम लोग ये जो है अभी बीच में कहीं पर है और ये जो आपका देहरादून मसूरी रोड है। अब इधर देखिए पूरा पहाड़ है ऊपर तक, और यहाँ से हम लोग अभी सूर्य अभी चलते हैं और आपको एक एक करके सभी जगह का आपको अलग अलग व्लॉग भी मिलता रहेगा। तो अब चलिए हम लोग वापस गाड़ी में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे का टेम्परेचर भी धीरे धीरे ठंडा बढ़ते जाएगा। चलिए अब अंदर चलते हैं। तो अभी हम लोग जो है भट्टा बल पहुँच चुके हैं, बट अभी जो है ये अभी बंद है क्योंकि इसका टाइमिंग 9 बजे से है, क्यों और हम लोग बहुत जल्दी आ चुके हैं। तो कभी अगर मौका मिलेगा तो रिटर्निंग में जो है आपको
यहाँ का व्यू दिखाएंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से जो है आपका ये रोप वे स्टार्ट होता है और वो करीब जो आपको वहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, वो नीचे में आप पूरा जाके वहाँ पर आपका फॉल्स है। और तो अभी तो ये है बंद, तो आप देखते हैं हम लोग अगला लोकेशन पे चलते हैं जो कि है हम लोग का मसूरी लेक जो मेकॉर पड़ता है, तो देखते हैं वो खुला हुआ है कि नहीं। और आपको यहाँ पे जो है साइड में कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स और होम स्टे भी मिल सकते हैं, तो आप यहाँ पर जो है आराम से खा कुछ खा भी सकते हैं अगर आप यहाँ पर आते हैं। तो चलिए अब वापस से हम लोग चलते हैं अपने गाड़ी की तरफ, जो गाड़ी हम लोग का वहाँ पर लगा हुआ है। तो अब हम लोग जो है मसूरी में इंटर कर चुके हैं और अब यहाँ से जो है होटल थोड़ा ही दूर है हम लोग का, तो आप देख सकते हैं इसका व्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इसका रोशनी पड़ता है तो और काफ़ी सुंदर हो जाता है यहाँ पर व्यू। तो और यहाँ पर ठंडा भी नहीं बढ़ रहा है धीरे धीरे। तुम ट्रैकिंग का कह रहे, एडवेंचर के लिए कह रहे थे ना, तुम्हें वो तो मिला नहीं भट्टा पे, और तुम्हें कल मिलेगा धनोल्टी में एडवेंचर पार्क में। वहां करना। तो गाइस हम लोग जो है यहाँ पर मॉल रोड पहुंच चुके हैं क्योंकि हम लोग होटल यहीं पर था और हम लोग जो गाड़ी है वो थोड़ा आगे पार्किंग में पार्क हो गया है। और यहाँ से हम लोग चलेंगे वॉकिंग करके अपने होटल पे। और ये देखिए जो व्यू है यहाँ पर का, आपको अभी ऐसा ही व्यू बहुत सारा जगह पे आपको और भी ऐसे ही व्यूज मिलते रहेंगे। तो अब चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने होटल की तरफ। और अभी यहाँ यही पर हम लोग जो है ये रोड ट्रिप का जो व्लॉग था देहरादून से मसूरी का, उसको यहाँ पे एंड कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग को पसंद आया हो। और मैं मिलता हूँ आपको एक और ब्लॉग में, अगले ब्लॉग में, जो कि देखते हैं कहाँ का होता है।